शामिल होगा, प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, कैबिनेट होगी और अटॉर्नी जनरल होगा। बाकी जितने लोग गवर्नमेंट में प्रशासनिक सेवाओं में है, सिविल सर्वेंट है, वो भी क्या होते हैं, इसका हिस्सा होते हैं, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका उनको कहा जाता है। ये जो कार्यपालिका है ये निश्चित समय के लिए इसका चुनाव होता है और जब तक ये बहुमत में रहेंगे तब तक ये सत्ता में रहेंगे, एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे, बहुमत इनका खत्म होता है तो फिर क्या होता है, दूसरी सरकार, दूसरी सत्ता आ जाती है। राष्ट्रपति के बारे में और क्या क्या चीजें हैं, राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, ठीक है। हमारा राष्ट्रपति नियुक्त कैसे होता है, हमारा जो नेशन है, जो राष्ट्र है, उसका नेचर क्या है, राष्ट्र की प्रकृति के बारे में अगर बात की जाए तो कहाँ दिया हुआ है, प्रीएम्बल में दिया है ना, प्रीएम्बल में कौन से 5 शब्द बताए गए, सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सोशलिस्ट, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, किसे आप रिपब्लिक कहेंगे, किसे आप गणराज्य कहेंगे, स्टेट का हेड किसके द्वारा, किसके द्वारा इलेक्टेड होगा, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगा, बिल्कुल सही बात है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्र प्रमुख है, देखिए रिपब्लिक के सापेक्ष रिपब्लिक होता है, एक राजतंत्र होता है। राजतंत्र में दो चीजें होती हैं, एक होता है वंशानुगत यानी हेरिडिटरी, राजा का बेटा राजा होगा, लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र, यानी लोगों का क्या है, वो तंत्र है, जो शासन के लोग हैं वो कौन कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, गण कर रहे हैं, तो उनका जो प्रतिनिधि करेगा, जो प्रतिनिधित्व होगा वो आम जनता के द्वारा चुना गया होगा। और दूसरी खास बात क्या नहीं होगी कि वो हेरिडिटरी या वंशानुगत नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही राजा बनेगा जिसे यहाँ की आम जनता, भारत के लोग क्या बनाएंगे, प्रेसिडेंट बनाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, लेकिन पार्टिसिपेशन किसका होगा, भारत के लोगों का होगा। यही क्या चीज है, अगर ये फीचर कहीं पर किसी राष्ट्र में है तो राष्ट्र को हम क्या कहेंगे, वो रिपब्लिक है, ठीक है। तो हेड ऑफ कौन है, स्टेट प्रेसिडेंट, कौन है राज्य का प्रमुख, कौन है प्रेसिडेंट, क्योंकि वो राज्य का प्रमुख है इसलिए जरूरी क्या है कि उसका इलेक्शन हो, है ना, लोगों के द्वारा चुना जाए, और यही इलेक्शन क्या थे इस समय हो रहे थे जिसके बारे में हमने देखा। अब इसका इलेक्शन करता कौन है, इलेक्शन कराता कौन है, इलेक्शन कराता कौन है, इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन चार जो है इलेक्शन कंडक्ट कराता है, कौन सा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। अब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन और कंडक्ट कौन करा रहा है, इलेक्शन कमीशन, लेकिन इसमें हिस्सेदारी जो लेते हैं उनको क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं या निर्वाचन मंडल कहते हैं, बात समझ में आ रही, यानी एक निर्वाचन मंडल इससे होगा, इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, ठीक है। वो बनवाने का काम, वोट कास्ट कराने का काम, निर्णय देने का काम किसका होगा, इलेक्शन कमीशन का होगा, लेकिन वोट कास्ट करेंगे कौन, कौन करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, निर्वाचन मंडल कहते हैं। अब इस निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्योंकि हम रिपब्लिक में है इसलिए लोगों के द्वारा वो चुना जाएगा, लोगों के द्वारा चुना जाएगा तो वो चुनाव कंडक्ट कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में तो कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, केवल सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी। उसके बाद हमने क्या देखा कि कंडक्ट कौन करा रहा है, इलेक्शन कमीशन करा रहा है, और जो कंडक्ट हो रहा है इलेक्शन वो उसमें हिस्सेदारी कौन लेंगे, उसके लिए क्या बनेगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, निर्वाचन मंडल बनेगा। अब सवाल ये है कि इसके सदस्य कौन कौन होंगे, है ना, इसके सदस्य कौन से होंगे, इलेक्टेड मेंबर, इसका क्या मतलब है इलेक्टेड मेंबर का, पार्लियामेंट चलते
इलेक्टेड मेंबर का यहाँ पे क्या मतलब है, निर्वाचित सदस्यों से आप क्या समझते हैं? क्या कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो निर्वाचित नहीं होते हैं? कौन से मेंबर नहीं होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, कौन कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। तो इसके दोनों के जो है जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो किसका हिस्सा होंगे, इस निर्वाचन मंडल का हिस्सा होंगे, पहली कंडीशन में हो गई, है ना। किसी के बात समझने में दिक्कत है? यानी संसद में जितने भी सदस्य, दो सदन है हमारे पास, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा, इसके सभी निर्वाचित सदस्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। इतनी बात समझने में किसी को प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत नहीं? फिर दूसरी कंडीशन कौन है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यदि देश में जितने भी स्टेट हैं उनकी जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, है ना, इनके कौन से मेंबर होंगे, इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इसी बात समझने में किसी को दिक्कत नहीं? फिर जो है इसमें तीन चीजें बढ़ जाती हैं, दिल्ली, पांडुचेरी और जेएनके की विधानसभा, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, तो इनके जो है निर्वाचित सदस्य भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर, कौन से मेंबर भाग लेंगे, निर्वाचित। सवाल पीटी में ये भी बन सकता है कि ये जो है किस संवैधानिक संशोधन में लाए गए हैं, मूल संविधान में लोग से भाग ले सकते थे, बताइए। मूल कॉन्स्टिट्यूशन में था कि नहीं था, नहीं याद है? 17वां संवैधानिक संशोधन आया, 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया, इन लोगों को भी प्रेसिडेंट इलेक्शन या जो निर्वाचक मंडल है उसका सदस्य बना दिया गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? अब इसकी वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक मूल्य जो, एक जो वोट होगा उसका मूल्य क्या होगा, किसी को पता है? जैसे देखिए दो चीजें हैं, एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, और दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, इसको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कैसे निकालेंगे एक एमएलए का वोट वैल्यू? टोटल पॉपुलेशन स्टेट की क्या है वो, फिर टोटल मेंबर कितने हैं, ना एक विधायक की वोट वैल्यू हो जाएगी। एक बार आप लोग रिपीट करिए, क्योंकि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे जो हमारा निर्वाचन मंडल बन रहा है उसमें तीन जगह से लोग लिए जाएंगे या वोट कास्ट करेंगे, पहला है हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। फिर अगर हम एक वोट की वैल्यू निकालें कि एक एमएलए जब वोट कास्ट कर रहा है प्रेसिडेंट को, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, उस वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं कि वहां पर कितना है टोटल पॉपुलेशन, कितनी है कुल जनसंख्या, कितनी है उसकी टोटल स्ट्रेंथ, कितनी है। अब यूपी के रेफरेंस में तो टोटल जनसंख्या निकालेंगे, फिर जो टोटल मेंबर है, अब यहाँ पे एक बात बताइए, जो टोटल मेंबर होंगे वो निर्वाचित होंगे या सभी मेंबर होंगे, मनोनीत निर्वाचित दोनों, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां पे ऐसी चीजें हों आप वहां पर जरूर कंफर्म करते चलिए कि क्या चीजें हैं, यहाँ पे जो टोटल मेंबर है कौन होंगे, निर्वाचित होंगे या निर्वाचित मनोनीत दोनों होंगे, सिर्फ निर्वाचित मेंबर होंगे। जब भी आप इस तरह की चीजें पढ़िए तो ये जो लूप होल्स होते हैं, आपको लगता है कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं, वो आप मार्क करते रहो, तो इससे क्या होगी आपकी गलतियां होना
बंद हो जाएंगी। ठीक है, कितना है यहाँ पर टोटल मेंबर ऑफ कितने होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के हो जाएंगे, यानी जो निर्वाचित मेंबर है उसको हम किससे करेंगे 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, एक एमएलए की निकल आएगी। अगर एक संसद की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सभी राज्यों के जो विधायक हैं उनका कुल मूल्य कितना है। ठीक है, यानी एक का हमने निकाला, इसी तरह सारे स्टेट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसको जोड़ लेंगे और उससे किसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के जितने निर्वाचित सदस्य हैं उनसे अगर हम भाग कर देंगे तो वैल्यू किसकी निकल आएगी, इलेक्टेड मेंबर की निकल आएगी। वैल्यू समझ में आ गई कि नहीं, कई बार ये सवाल सीधे दे के पूछते हैं। आप एक चीज ध्यान रखना कि ये 1/1000 है ना, कई बार सीधे 1000 दे रखे हैं, एक दो सवाल ऐसे भी पूछे गए जिसमें सीधे 1000 दे रखा है वैल्यू में, तो ये पूछा गया कि ये सही दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 1/1000 से करना है, है ना, सबको समझ में आया, मैम बताइए, आप बताइए मैम क्या वैल्यू है, एक अगर विधायक की वोट वैल्यू निकालना हो प्रेसिडेंट इलेक्शन में तो कैसे निकालेंगे, देखना नहीं है, देख के तो सभी बता देंगे, बताइए। जो भी आया है वो चीज बताइए, अगर एक विधायक की वैल्यू निकाले वोट का मूल्य क्या होगा, तो वो कैसे तय डिसाइड करेंगे, कैसे तय करेंगे आप, जिस स्टेट के विधायक की निकाली जाएगी उसकी जनसंख्या कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, वहां पे कुल कितने सदस्य हैं, उनसे उसको भाग कर देंगे। ठीक है, जो मूल्य आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, एक विधायक एक एमएलए की वैल्यू निकलेगी, है ना, फिर वहां के जितने एमएलए है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस स्टेट की जो है विधायक वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह सभी स्टेट का निकाल लेंगे, उस विधायक वैल्यू को यहाँ रखेंगे, टोटल निर्वाचित मेंबर जो होंगे किसके, पार्लियामेंट के, उससे भाग कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी ना, वोट वैल्यू क्या है एमपी की। इतनी बात समझने में किसी को प्रॉब्लम है, आसान है, एक बार आप लोग देख लीजिए, मैम बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, ऊपर वाली नहीं आई है तो पूछते क्यों नहीं है, स्पीड ज्यादा है क्या, ज्यादा तेज बता रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए एक रेफरेंस क्या दे रहे हैं कि अगर यूपी में एक एमएलए की वैल्यू निकाल दी हो, है ना, टोटल मान लेते हैं 20 के आसपास है, 20 करोड़ एक अप्रॉक्स के हिसाब से। ठीक है, मेंबर कितने हैं हमारे पास में, वैसे तो ज्यादा है लेकिन हम 400 मान लेते हैं जैसे कैलकुलेशन आसान हो, इसको एक यूपी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए की वैल्यू आ जाएगी, है ना, यानी यूपी की जितनी जनसंख्या है और जितने यहाँ पर विधायक हैं, जनसंख्या को विधायक से भाग करेंगे, जो परिणाम आएगा उसको 1/1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो एक एमएलए की वैल्यू निकल आएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं, अब आ गई, ठीक है, कंफर्म है, किसी को बात समझ में दिक्कत, मैम आ गया, सबको आ गया, ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, एमएलए की। अब हमें अगर वैल्यू निकालना हो एमपी की, एमपी की वोट वैल्यू क्या है, तो पूरे देश में जितने भी निर्वाचित विधायक हैं उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसी तरह से निकल आएगी। ठीक है, उनकी टोटल वैल्यू यहां पर रख लेंगे, ठीक है ना, इसको डिवाइड किससे कर देना है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये भी कैसे इलेक्टेड, इसको इससे भाग करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एमपी की वैल्यू आ जाएगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू आ जाएगी। अभी समझ में आया मैम, एक यूपी का निकाला तो एक व्यक्ति का आया, इसको जो है टोटल जितने मेंबर है, मान लीजिए मेंबर 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूपी की टोटल वोट वैल्यू आ गई। इसी तरह सभी स्टेट की हमने जोड़ ली, कैलकुलेट करने के बाद में इसको जितना टोटल संख्या इलेक्टेड मेंबर की है सदन में या संसद में उससे हम इसको भाग कर देंगे तो एक एमपी की वोट वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया सबको,
सभी को समझ में आ गया भैया, अभी पूछ लीजिए क्योंकि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, आसान है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस है भी नहीं। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें दो चीजें यूज होती हैं, एक होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और दूसरा होता है एकल संक्रमणी मत, है ना। एकल संक्रमणी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आम हम दो तरह के चुनाव से, शायद राष्ट्रपति के चुनाव से कम परिचित हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जब आप यहाँ पे किसी को वोट कास्ट करते हैं, सभी लोगों ने दिया है वोट, अभी तो दिया होगा ना, कोई ऐसा जिसने अभी वोट कास्ट नहीं करी है? बताइए, सभी ने वोट दिया ना, आपने नहीं किया है कोई बात नहीं। मान लीजिए आप एमएलए का चुनाव है, ठीक है, एक विधायक का चुनाव है, आपने वोट दी, तो इसमें एक कितने व्यक्ति को, आप पांच लोग अगर चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, आप कितने व्यक्ति को वोट दे सकते हैं? एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं ना। अब मान लीजिए किसी पार्टी का नाम ना लेके हम लोग एक्स वाई जेड चल लेते हैं, ठीक है, ये पार्टियां हैं, ये इनका चुनाव चिन्ह है, तो आपने एक पे दिए वोट, इतनी बात समझ में आई। फिर इनमें से जिसके नंबर ज्यादा होंगे, मान लीजिए कि टोटल 100 वोट थी, ठीक है, और इनमें से किसी को मिल गई है 25, यानी कोई इससे कम मिली है, तो कौन जीत जाएगा? कौन जीत जाएगा? एक्स जीत जाएगा, यानी फर्स्ट पास वोट सिस्टम है, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से जो जो आगे होगा वो जीत जाएगा। इसको ऐसा समझिए, अगर मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, एक पैदल, सब लोग पैदल चल रहे हैं, जो पहले पहुंच गया वो जीत गया। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि उसका बहुमत है कि नहीं है, आया ना, बहुमत देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, जो अन्य से आगे है वो जीत जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में कैसे रिजल्ट आते हैं, जिसका ज्यादा होगा, ये नहीं देखते कि 50% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई अभी तो 40% भी यूपीएससी हो रहा है, कितने मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए? एवरेज मुझे लग रहा है कि 45, नहीं इतना नहीं जाता है, 60? नहीं तो परसेंटेज में, वो नंबर आप बता रहे हो ना, मैं सवाल की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज में कितने क्वेश्चन पे हो रहा है, 90 मान लीजिए तब भी 45 हुआ ना। अगर आपका अमूमन 45 से, मुझे ऐसा लगता है कि 50 के अगर आसपास है तो आपका संभावना बहुत ज्यादा है होने की, आप पिछले 5 साल का भी रिजल्ट देखिए इसी की रेंज में है। तो इसमें ये चीज है कि ये बहुमत में नहीं है, ठीक है, यानी आप सिर्फ एक आदमी को चुनाव में वो टास्क कर सकते हो। और दूसरी बात क्या है कि जो जीतेगा, इसमें जीतेगा कौन, जिसमें अन्य की अपेक्षा आगे होगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं लागू होती है, है ना, बस ये बात बतानी है हमको, ये दोनों ही चीजें किसमें नहीं लागू होती हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लागू नहीं होती हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, मतलब आप क्या कर सकते हो, सॉरी, हाँ, चॉइस कर सकते हो, और आप सभी को क्या कर सकते हो, वोट कास्ट कर सकते हो प्रेफरेंस के आधार पर। दूसरी बात, जब इनमें से चुनाव होगा तो यह देखा जाएगा कि 50% से अधिक जिसको वोट मिलेगा वही व्यक्ति क्या होगा, राष्ट्रपति चुना जाएगा। अगर किसी भी केस में 50% नहीं मिला, मान लीजिए ये दो केसेस ऐसे थे जिसमें वोट बराबर हो गई और 50% नहीं गई, तो सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, है ना, और सेकंड प्रेफरेंस में भी अगर हम नहीं आ रहे तो थर्ड प्रेफरेंस को देखा जाएगा। लेकिन ये जब तक की वैल्यू कितनी नहीं हो जाएगी, 50+1 नहीं हो जाएगी परसेंटेज में, तब तक कि वो विजेता नहीं माना जाएगा, तब तक कि वो उसकी जीत सुनिश्चित नहीं होगी। यानी जीतने के लिए टोटल जो वैध मत है, जितनी वोट कास्ट हुई है, उसका कितना आपको वोट मिलना चाहिए, 50% से अधिक, या ऐसे कह लो कि 50% से अधिक मिलना चाहिए, है ना। और ये दोनों जो व्यवस्थाएं क्या कहलाती है, एक है
अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी ये देखा जाएगा कि किसका कितना अनुपात मिला और उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से जो है हम क्या करेंगे, और आप अपनी वोट एक को न देकर सभी को वोट कास्ट कर सकते हो। जबकि यहाँ के सिस्टम में क्या है, फर्स्ट ऑफ फोर सिस्टम में क्या होता है कि आप एक वोट देते हैं, है ना, एक व्यक्ति के लिए वोट कास्ट करते हैं। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो सभी जो मेंबर होंगे, जो कंटेस्टेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उनके सापेक्ष आप वोट कास्ट कर सकते हैं। इतनी बात समझते हैं, किसी को दिक्कत? एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं कि इलेक्शन कहां पर बताया गया, 54 में क्या बात बताई गई है, इलेक्शन में कौन लोग हिस्सेदारी लेंगे, है ना। इसके लिए एक बनेगा इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, और इलेक्टोरल कॉलेज में निर्वाचित मेंबर होंगे, पार्लियामेंट के निर्वाचित मेंबर होंगे सभी लेजिस्लेटिव असेंबली के, पुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के जो है निर्वाचित सदस्य होंगे विधानसभाओं के। तो ये मेंबर से तैयार क्या होगा, इलेक्टोरल कॉलेज होगा। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य वोट कास्ट करेंगे। वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर एक विधायक है तो कैसे निकालेंगे, वहां की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल निर्वाचित मेंबर्स उसको भाग करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगी, एक वोट वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर हमको एमपी की वोट वैल्यू निकालनी, तो सभी जो राज्य हैं, जितने एमएलए हैं, उनकी वोट वैल्यू को किससे भाग कर देंगे, टोटल निर्वाचित सदस्य जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, एमपी की। फिर ये देखेंगे किसको कितनी वोट प्राप्त हुई है। क्या कोई बता सकता है द्रौपदी मुर्मू को कितनी वोट मिली है, वोट वैल्यू क्या है उनकी? आप लोगों ने देखा नहीं है क्या, इधर कनेक्ट रहना चाहिए था, ये तो बहुत अच्छा था, अवेयर हो जाते चीजों से। इसके बाद इसकी योग्यताएं क्या क्या हैं, कौन व्यक्ति जो है देश का प्रधान और राष्ट्रपति हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं इसकी, क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सवाल यह है कि जो ये इंडियन सिटीजन है, ये बाय बर्थ होना जरूरी है कि नहीं, सवाल पूछे गए हैं, है ना। बाय बर्थ इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या फिर उसने इंडियन सिटीजन एक्वायर की भी हुई हो, तभी वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, भाग ले सकता है, बताइए, समझ में आ रही बात, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा है, चुनाव लड़ने जा रहा है, वो व्यक्ति जन्म से ही भारत का नागरिक हो, या फिर बाद में भी अगर उसने भारत की नागरिकता एक्वायर की है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। पहली चीज तो ये बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है ये बात, अंदाजा मत लगे, क्योंकि अंदाजे से क्या प्रॉब्लम होती है, आप हम लोग ये नहीं समझ पाते इसको अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये एक बार कम से कम हम लोग क्लास में है तो सिंसियर ही हो जाए कि हमने पढ़ा भी है कि नहीं, कितने लोगों ने ये बात देखी हुई है पहले, बाय बर्थ जरूरी नहीं है। वो भारत का यदि नागरिक है तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, आया ना। फिर आयु कितनी होनी चाहिए उसकी, कितनी उम्र उसने पूरी की हो, 35। और लोकसभा का चुनाव लड़ने की अहिताएं या योग्यताएं वो रखता हो, ठीक है। और चौथी कंडीशन क्या है इसके सापेक्ष, कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लोकसभा का मेंबर चुने जाने की योग्यता रखता हो। और चौथी कंडीशन क्या है, लाभ के पद को हम क्या कहते हैं, क्या भे? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, क्या कह रहे हैं आप, नहीं आप बोलिए, ऐसे तो नहीं, बताइए क्या कह रहे हैं,
कुछ कह रहे हैं वो सही होगा जो बोलना चाह रहे हैं। दिवालिया पागल अक्षम व्यक्ति ना, बिल्कुल। देखो हमने ये कहा कि वो क्या है, लोकसभा का मेंबर चुने जाने की योग्यता रखता हो, तो वो सारी कंडीशन जो आप बता रहे हैं वो कहाँ पर लागू हो जाएंगे इसमें, कि इसको वो जब फुलफिल कर रहा होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? लोग कोई दिवालिया व्यक्ति जो है लोकसभा का मेंबर हो सकता है, हाउस ऑफ पीपल का मेंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी वो कंडीशन कहाँ पर है, यहाँ पर अपने आप में फुलफिल कर रही है। बात समझ में आ गई कि नहीं भैया? इंसॉल्वेंट हो गया, अक्षम व्यक्ति है, अनसाउंड है, या कोई अदर मेंटल डिजीज से पीड़ित है ना, मेंटली रिटायर्ड है, लुनेटिक है, इडियट है, तो ऐसी इडियट का मतलब मेंटल स्टेट होता है, आप लोग ऐसे मतलब होता है, ठीक है। जो पागल होते हैं, हाँ क्या चीज, हाँ वोट का राइट होता है, ठीक है, कंटेंस नहीं कर सकता है, उसके राइट चीज नहीं होते हैं, नेचर होता है। कुछ लोग पागलों की एक प्रकार है, ठीक है, कुछ लोग जड़ होते हैं, कुछ लोग मूर्ख होते हैं, कुछ लोगों के पास इतना विवेक नहीं होता कि उचित अनुचित का वो भेद कर सके, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने कार्य की प्रकृति के बारे में, वो क्या काम करे उनको नहीं पता है, ना उसके कंसिक्वेंसेस जानते हैं, ठीक है, ये पागलों के नहीं, ये लीगली जो लोग हैं उनके लिए आता है सब, ठीक है। जैसे अनसाउंड माइंड हो गया, इडियट हो गया, लुनेटिक हो गया, मैड हो गया, ठीक है। मेडिसिन बहुत सारी ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसी दवाइयां ले लेते हैं जिनसे वो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो जजमेंट नहीं कर पाते क्या उचित अनुचित है, तो खैर वो सारी चीजें किसमें फॉल कर जाती हैं, कहाँ पे आ जाती हैं, हाउस ऑफ पीपल में आ जाएंगे। तो मेन चार कंडीशन है, पहली क्या है, पहली क्या कंडीशन है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात लिख सकते हैं कि अगर कभी पूछे आपसे कि बाय बर्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन अपने यहाँ नहीं है, लेकिन यूएस में ऐसी कंडीशन है कि वहाँ बाय बर्थ होना चाहिए ना। इसके अलावा 35 एज जो है, एज उसने अटेम्प्ट कर ली हो, पूरी कर ली हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ताएं या क्वालिफिकेशन रखता हो, साथ ही साथ वो किसी लाभ के पद पर न हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी को लेकर आता है, कंटेस्ट करता है, तो उसे कितने अनुमोदन की जरूरत होगी, कितने प्रस्तावक की जरूरत होगी और कितने अनुमोदक की जरूरत होगी, कितने, 50-50, 50 क्या होने चाहिए, उसके प्रपोजर होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 क्या करने वाले हो, सॉरी प्रपोजर और प्रस्तावक या अनुमोदक हो, ठीक है। अब ये कहीं के भी हो सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग भी इसमें हो सकते हैं। ये चीज बंद कर दें, अच्छा ठीक, लाभ का पद ये होता है कि आप किसी दूसरी ऐसी पोस्ट पे ना हो, मतलब एक साथ आप दो पोस्ट पे नहीं हो सकते हैं, हाँ राष्ट्रपति वो बन सकता है, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बनेगा तो ये जो है कि ये पोस्ट उसको एक पोस्ट उनमें से चुननी पड़ेगी, वो पोस्ट उसको छोड़ देनी पड़ेगी। यानी लास्ट के पद का ये मतलब है कि वो कोई दूसरी चीज ना करे एक साथ, है ना। इसके सापेक्ष कई सारे केस आए हैं जिसमें जया बच्चन का केस बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के पद में, किसी ने सुना है जया बच्चन वाला जो इशू रहा है डिस्प्यूट, जब यूपी में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो वो दो जगह पर एक जगह पे वो शायद वेतन नहीं ले रही थी, पैसे नहीं ले रही थी, लेकिन वो उसकी अध्यक्ष थी, उसके अलावा दूसरी जगह थी, ये डिस्प्यूट उठा था कि एक साथ कई बार कई लोगों को कई पोस्ट पे क्या किया जा रहा है, पोस्ट दी जा रही है, ठीक है। ये डिसाइड किया गया कि वो लाभ के पद पर ना हो, या एक साथ दो जगह पे कैसे कोई काम करेगा, ये अपना जो है व्यक्तित्व या इन्फ्लुएंस करके लोग पद को तो पा लेते हैं,
लेकिन वो कहीं ना कहीं कैसे हैं। हाँ, नहीं कुछ स्थितियों में है, कुछ स्थितियों में नहीं। अब जैसे चार्ज तो दिए जा सकता है ना, किसी को चार्ज आप दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी पोस्ट है जहां पर आप एक साल दो पोस्ट पे, ये अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है, बात समझ में आ रही है। तो वहां पर स्पेशली मेंशन होता है कि आप इतने बड़े पद को संभाल रहे हैं तो दूसरे पद पर न हो, इसलिए कंडीशन लगाई गई है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम, अनुमोदक कितने होंगे? 50 होंगे। फिर ये पूछा जाता है इसकी शपथ। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? वैसे अगर हम शपथ की नॉर्मल बात करें तो ओथ कहां पर दी हुई है, ओथ से संबंधित कहां पर है प्रोविजन? शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल है? थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है, तीसरी अनुसूची में दी है। लेकिन प्रेसिडेंट की जो ओथ है, जो शपथ है, वो कहां पर दी हुई है? कई बार ये सवाल पूछा गया, जब प्रीलिम्स में सवाल आता है तो जब भी आप बहुत तेज आंसर कर रहे होते हैं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। शपथ के नाम पे ऐसा होता है कि ये थर्ड में दिया हुआ है, आपको शपथ जो है तीसरे से ही याद रहती है। हमें चीज जो यहाँ पे अलग दी हुई है तो शपथ उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट की ओर कहाँ पर दी हुई है? सिक्सटी में है ना, कहाँ पर है शपथ, कहाँ पर दी हुई है? दोनों कंपनी होती है, बंद कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा सर, लोगों को ठंड लग रही थी। कौन कह गया आप लोगों ने इतना चलने कंप्लेन करी थी क्या? अच्छा कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना। कल नहीं चल रही, कल नहीं चल रही, कल लाइट नहीं था शायद, लाइट नहीं थी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्लास ले, अरे अभी मैं क्लास ले लेता हूँ फिर आप बताइएगा। हाँ वही चीज लिखा है कि जो है आर्टिकल 60 में जो है शपथ दी गई है। शपथ किस बात की लेता है वो? पद से आसीन होने के लिए। देखिए आप जितना भी तार्किक बोलेंगे, रीजंड बोलेंगे, उतना प्रभावी रहेगा। कुछ भी बोलने से बचिए, इससे क्या होगा आपको कुछ भी याद हो जाएगा, है ना। फिर आपको दो भ्रम होंगे, एक पहला भ्रम ये होगा कि आपको आ रहा है और दूसरा भ्रम ये होगा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। हमें यही काम करना है, बचना है उन चीजों से। जो चीजें नहीं आ रही है बात, अगर हम खुद को बता दे नहीं आ रही तो हम उसको याद करेंगे। फिर कुछ भी बोलने से जरूर बचिए, बोलिए जरूर, बोलना जरूरी है, लेकिन तार्किक बोलिए, रीजन बोलिए, और वो बोलिए जो दिया हुआ है। पहली चीज शपथ लेता है कि राष्ट्रपति पद का जो है वो क्या करेगा, श्रद्धा पूर्वक पालन करेगा। दूसरा, संविधान और विधि की परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, तीन शब्दों का उपयोग किया गया है। ठीक है, परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण। तीसरी बात, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर लगा रहेगा या निरत रहेगा, सेवा करता रहेगा। तीन चीजों की वो शपथ लेता है। पहली चीज, जिस पद पे वो जा रहा है उस पद का जो है श्रद्धा पूर्वक कार्यपालन करेगा। दूसरा, उसके पास दो जिम्मेदारियां हैं, संविधान और विधि की, परिरक्षण करना है, प्रतिरक्षण करना है और संरक्षण करना है। तीसरी बात,
जो भारत के लोग हैं उनकी सर्विस करनी है और उनका कल्याण सुनिश्चित करना है, इसीलिए वो कार्य करेगा। समझ में आया? सतत कीवर्ड पूछे जा सकते हैं, इसलिए कीवर्ड पे हमें कमांड होनी चाहिए। इसके बाद अगर पद अवधि की बात की जाए तो कितने समय के लिए जो है नियुक्त किया जाता है, कितने समय के लिए, इसका कार्यकाल कितना है? 5 साल का है। लेकिन इसके कार्यकाल के संबंध में कंडीशन देखिएगा, जिस समय ये पहली बार एंट्री करता है अपने ऑफिस में, ठीक है, उस डेट से तब तक ये अपने पद पर बना रहता है जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उस पद पर नहीं आ जाता है ना। इसके कहने का ये मतलब है ये सतत पोस्ट है, कंटिन्यूअस पोस्ट है, ये कभी भी खाली रिक्त या नहीं रहती है, ठीक है। कार्यकाल कितना है? 5 साल का। अच्छा, जनरल प्रैक्टिस क्या है प्रेसिडेंट इलेक्शन की, कब होता है, किसी को पता है? प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है वो कब फाइनल हो जाता है, रिजल्ट कब आ जाता है, जनरल प्रैक्टिस क्या है? 25 आया ना, तो 25 को ही जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी क्या बनी है, प्रेसिडेंट बनी है। और ये जनरल हमारी प्रैक्टिस रही है कि 25 जुलाई को ही क्या करते हैं, हम उनको निर्वाचित कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन हो कि 25 जुलाई को निर्वाचित नहीं है तो वह ऑफिस जो है वो वेकेंट नहीं होगा, वो ऑफिस कंटिन्यू करेगा, और कौन व्यक्ति करेगा, जो प्रेसिडेंट है। तब तक के लिए वो पद खाली नहीं होता जब तक के लिए दूसरा पद भर नहीं जाता है, दूसरा व्यक्ति आ नहीं जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो तो किसे देगा? किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। मान लीजिए अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, किसको देगा? सीबीआई को देगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति को हटाना है उसके पद से, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं या महाभियोग कहते हैं, है ना। महाभियोग के आधार क्या है, किन ग्राउंड्स पे जो है महाभियोग लाया जाता है, किस ग्राउंड पे लाएगा? सिर्फ एक ग्राउंड, हाँ, संविधान का उल्लंघन, ठीक है। और कोई ग्राउंड है? कैसे प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है, अगर उसे इम्पीच करेंगे तो इसकी प्रक्रिया के आपने ये अच्छा किया भैया, यहाँ राग लगा दो, नहीं नहीं चलने दीजिए, अच्छा है ये। प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होगी, महाभियोग की प्रक्रिया कैसे, प्लीज मैम, महाभियोग की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होगी आप हमसे बताएं, क्या दिक्कत है? किसी ऐसा एक प्रैक्टिस है, कैसे प्रयास किया जाता है कि कर लिया जाए ताकि पोस्ट वेकेंट ना हो, बाकी कोई वजह नहीं है। हाँ पहले शुरू में जब किया गया, ठीक है, अपॉइंट, तो वो डेट कितनी बनी, 25। तो अब ये कोशिश रहती है कि संविधान में दायित्व दिया गया है कि आप उसको समय से पूरा कर ले कोई भी प्रक्रिया, और चूंकि चुनाव क्या है, संविधान राष्ट्र के प्रमुख का है, तो वो चुनाव एक निश्चित डेट पे होना चाहिए, उसको अगर हम बार बार वेरी करेंगे तो दिक्कत होगी, है ना। इस वजह से जो पूर्व प्रैक्टिस रही है, 25 को उनका जैसे कार्यकाल पूरा हुआ किसी का, उसके बाद से वो लगातार होता रहा, बीच में किसी का देहांत हो गया, कोई चेंज हुआ, तो हो सकता है वो वेरी कर जाए, चेंज कर जाए, बात समझ में आ रही है। फिक्स नहीं है कि ऐसा ही क्यों होता है, लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस क्या है कि 25 जुलाई को नियुक्ति कर ली जाती है। नहीं नहीं फिक्स नहीं, वही चीज मैं कर रहा हूँ, फिक्स नहीं है, ये केवल एक प्रैक्टिस है, एक प्रयास किया जाता है कि तारीख तक हो जाए ताकि पोस्ट वेकेंट ना हो, है ना।
इलेक्टेड मेंबर ही क्यों लिए हैं? हाँ, काउंसिल को क्यों नहीं लेते हैं, ये सवाल है। देखिए काउंसिल होता क्या है कि काउंसिल के मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होते हैं, है ना। तो जो सत्ता उसमें रहती है, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, ये उनके मेंबर ज्यादा यहाँ पर हो जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जबकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं। अब नॉमिनेटेड मेंबर जो होगा उसको कौन इलेक्ट करेगा, कौन लेके आएगा, ये माना जाता है कि वो किसके होंगे, सत्ता पक्ष के होंगे या प्रेसिडेंट उनका चुनाव कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को ये किसके फेवर में वोट कास्ट करेंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो वे मेंबर किसके सापेक्ष वोट कर रहे होंगे, जो उन्हें इलेक्ट कर रहा है। आम जनता इलेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट किसका है, भारत का जो है क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। इसलिए भारत के लोग जिसे सीधे तौर पे जो है इलेक्ट कर रहे हैं वो क्या बनेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें, समझ में आई मैम। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहली चीज है कि महाभियोग किस सदन में आ सकेगा, किसी भी सदन में आ सकेगा। इसके लिए फिक्स नहीं है कि वो एक किसी सदन में आए, है ना, किसी भी सदन में आएगा। अगर कोई एलिगेशन लगा है तो कितने मेंबर उस एलिगेशन को साइन कर रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कंफ्यूजन अभी आपको नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी फोरम के रेफरेंस में देखेंगे, जैसे इसके अनुमोदक कितने थे, 50 थे ना, वही फोरम की बात करें तो कितना मेंबर हो जाता है, 1/10 है ना, 55 हो जाता है। लेकिन ना ये 50 है ना 55 है, ये क्या कह रहा है, टोटल मेंबर का 1/4। फर्क समझ रहे, ये नंबर बड़ा है, है ना। जैसे 500 हुए तो टोटल मेंबर का 1/4 कितना हो गया, 125 हो गया। ये ना तो करम वाला नंबर है ना ही 50 वाला नंबर है। अगर हम इम्पीच करेंगे तो कितने सदस्यों का जो अनुमोदन चाहिए होगा, कितने लोग, 1/4 होने चाहिए। ठीक है, और 1/4 कहाँ का होना चाहिए, जिस सदन में एलिगेशन लगा है, जिस सदन में संबंधित प्रस्ताव आया है, है ना। तो मान लीजिए अगर लोकसभा है तो लोकसभा में वो नंबर लगभग 125 के आसपास बैठेगा जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे ही ये प्रस्ताव आता है सदन में उसको, तो कितने दिन पहले नोटिस दी जाएगी राष्ट्रपति को, 14 दिन पहले नोटिस दी जाएगी। कंफर्म पास कैसे करेंगे इसको, पास कैसे करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे। अगर एक सदन में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया फिर क्या करेंगे, दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में भी अगर वो विशेष बहुमत से पास हो गया ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो पद वैकेंट मान लिया जाएगा, है ना। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति के साइन की जरूरत होगी, नहीं, कंफर्म यहाँ पर राष्ट्रपति के जो है अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। सामान्यतः जितनी चीजें होती हैं उसमें किसके अनुमोदन की जरूरत होती है, प्रेसिडेंट के अनुमोदन की जरूरत होती है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद इसकी शक्तियां क्या क्या हैं, ठीक है, इसकी शक्ति सबसे ज्यादा सवाल कहां से पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट की पावर से पूछे जाते हैं। पावर में जो सबसे पहली बात जानने की जरूरत है कि ये एक्चुअल पावर इसमें होती है या नॉमिनेटेड मेंबर होता है, नॉमिनेटेड मतलब नाम आपकी जो है शक्तियां होती हैं, वास्तविक शक्ति किसमें नियत होती है, किसमें होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है कार्यपालिका की, और इसके पास कैसी रहती है, नाम आपकी शक्तियां होती है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें ये अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, उसके अलावा सभी चीजों में क्या होता है, नाम मात्र की शक्तियां होंगी। यानी समस्त कार्य जो होते हैं वो किसके नाम से किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के
नाम से किए जाएंगे, जितने भी कार्य हो रहे होंगे किसके नाम से होंगे, प्रेसिडेंट के नाम से हो रहे होंगे। कर कौन रहा होगा, या तो मंत्रिमंडल कर रही होगी या प्राइम मिनिस्टर उसके सापेक्ष डिसीजन ले रहा होगा। लेकिन अगर इसकी शक्तियों को हम डिवाइड करें तो पहले हम कार्यपाल की शक्तियां देखेंगे, फिर विधायक की शक्तियां देखेंगे, फिर वित्तीय शक्तियां देखेंगे, फिर न्यायिक शक्तियां देखेंगे। कूटनीतिक शक्तियां क्या क्या है, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और विशेषाधिकार इसके पास किन किन चीजों के सापेक्ष में है। कार्यपालिका की अगर शक्तियों की बात करें तो भारत सरकार या भारत के जो शासन है उसके सभी कार्य किसके नाम से किए जाएंगे, किसके नाम से होंगे, प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, अगर कार्यपालिका में अपॉइंटिंग पावर की बात कर दी जाए, इसको हम और क्लासिफाई करना चाहें, एक होता है कि अपॉइंट करने की शक्ति या नियुक्त करने की शक्तियां, तो किन किन को ये नियुक्त करता है, तीनों आयोग, ठीक है, चाहे शेड्यूल कास्ट के लिए हो, शेड्यूल ट्राइब के लिए हो या बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो, तीनों आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, संघ लोक सेवा का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट, चुनाव आयोग कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट, महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट, कैग की नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ये जो बड़े पोस्ट हैं देश के उनमें नियुक्ति कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। क्या प्रेसिडेंट अपने विवेकाधिकार पे नियुक्त कर रहा है, प्रेसिडेंट के अपने विवेकाधिकार पे नियुक्त कर रहा है, नहीं, कैसे कर रहा है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त करता है। इसके अलावा अंतरराज्यीय परिषद कहां पे इसका जिक्र है, सेंट्रल रिजर्वेशन अभी नहीं पढ़ा ना मैंने, केंद्र राज्य संबंध नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद जो है कौन नियुक्त करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, कहां पर है, 263 है ना। इसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो प्रशासक होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, इस समय कितने हैं हमारे पास में, कितने हैं, 8। विधायी शक्तियों की अगर बात करें तो संसद के सदन को कौन बुलाता है, कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएगा। लोकसभा को विघटन करने की शक्ति किसके पास है, संयुक्त अधिवेशन का आवाहन कौन करता है, ज्वाइंट सेटिंग को कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सेटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा या स्पीकर करेगा, लेकिन बुलाता कौन है ज्वाइंट सेटिंग, कॉल कौन करता है, प्रेसिडेंट कॉल करता है। कब कॉल की जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कब बैठती है संयुक्त बैठक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का कोई विधेयक है, इस पर ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है, नहीं होगी ना, कहां पर हो सकेगी, साधारण बहुमत में होगी, तब किन कंडीशन में हो सकती है, पहली कंडीशन यह है कि जब मत बराबर की स्थितियां हों या कोई बिल एक सदन में पास कर दिया गया और दूसरे सदन में 6 महीने से अधिक समय के लिए लंबित हो, उस पर उस बिल को या उस विधेयक को पास करने की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, ज्वाइंट सेटिंग बुलाई जा सकती है। खैर, ज्वाइंट सेटिंग को जो है आवाहन कौन करता है, बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाता है। हमें कोई ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है जिसमें मान लीजिए एक तो उसके पास होता है कि मत बराबर है, तो निर्णायक मत देने की पावर किसके पास में होता है, स्पीकर के पास में होता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि वो पास ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उन कंडीशन में क्या होगा, उस विधेयक को पास करने के लिए ज्वाइंट सेटिंग को बुलाया जाएगा। इसके अलावा सदन का जो प्रथम अधिवेशन होता है, हर साल पहले दिन बैठक होती है, राष्ट्रपति का भाषण होता है, उस जो है उसको संबोधित कौन करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट। वो भाषण लिखता कौन है, क्या वो प्रेसिडेंट का भाषण होता है,
कौन लिखता है? कैबिनेट। ठीक है, भाषण किसका होता है? वो कैबिनेट का होता है, लेकिन उसको बोलता अभिभाषण देता कौन है? प्रेसिडेंट देता है। होती क्या चीज आपको पता है उसके बारे में? एक साल की जो सरकार की उपलब्धियां होती हैं उनका ब्यौरा वो देता है, वो बताता है कि ये चीजें हमने यहाँ पर हासिल करी है। और अगर वो अभिभाषण जो है पास नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार गिर जाएगी। यानी जो है प्रथम अधिवेशन की जो संबोधन होता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट करता है। नॉमिनेटेड मेंबर किन क्षेत्र से हो सकते हैं? इसको आप लोग ऐसे याद कर लेना जैसे क्लास, ठीक है? सी लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस, और साइंस एल ए डबल एस लास्ट, ठीक है? और जब स्टेट में होंगे तो वहां कॉपरेटिव सोसाइटी भी ऐड हो जाती है, ठीक है? तो वहां पर क्या हो जाता है? क्लास हो जाता है। यहाँ पे जो मेंबर है लास्ट, तो आसान हो जाएगा याद करना आप लोगों के लिए। साहित्य विज्ञान क्लास और समाज सेवा से कितने मेंबर ये नॉमिनेट करते हैं? कितने मेंबर करते हैं? 12 मेंबर करते हैं। इसके अलावा यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसके सापेक्ष वीटो पावर यूज कर सकता है। और वीटो पावर यूज करना उसकी क्या है? इसके बाद अगर वित्तीय पावर की बात की जाए तो धन विधेयक जो है किसकी पूर्व अनुमति से पास किया जाएगा? किसकी? राष्ट्रपति की। और जो बजट होता है या बजट को किस शब्दों में दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? एज अ टर्म कहां पे दिया हुआ है? अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 के अंतर्गत दिया है। ये सदन में कौन रखवाता है? कौन रखवाएगा? सदन में रखवाने की जिम्मेवारी किसकी है? प्रेसिडेंट की। किसकी है? प्रेसिडेंट की है। अगर कोई अनुदान किया गया तो उसकी सिफारिश कौन करता है? प्रेसिडेंट करेगा, है ना? इसके बाद अगर न्यायिक पावर की बात की जाए तो मुख्य जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति में इसकी कंसल्टेशन, ये नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन किसकी कंसल्टेशन से करेगा? कोलिजियम की कंसल्टेशन से करेगा। लेकिन पावर किसके पास है? अल्टीमेट पावर नियुक्ति की किसके पास है? किसको, किसके नाम से होगी? किसके नाम से होगी? प्रेसिडेंट, है ना? राष्ट्रपति जो होता है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन किसकी परामर्श से करता है? कोलिजियम की करेगा। और कोलिजियम में कौन होंगे? 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। वो उसकी कंसल्टेशन बाइंडिंग है, ठीक है? मूल संविधान में बाइंडिंग थी कि नहीं थी? नहीं थी, ठीक है? इसके संबंध में 3 केस आए, जैसे एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसमें कंसल्टेशन पे पहली बार बात की गई। दूसरा केस आया इशकोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको सेकेंड जजेस केस बोलते हैं। इसमें कंसल्टेशन को या जो सलाह था इसको बाध्यकारी बना दिया गया। फिर तीसरा जजेस केस है प्रेसिडेंशियल रेफरेंशियल केस था। इस केस में क्या बात कही गई? ये जो कंसल्टेशन होगी वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस से ली जाएगी, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए क्या होगी? बाइंडिंग होगी। जब मूल संविधान था वहां पर बाइंडिंग नहीं थी। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी क्या है? बाइंडिंग है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास में है अपॉइंट करने की? अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यदि मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जिसमें पर्डन मांगी गई है, पर्डमिंग पावर दी है ना? कहां पर दी है? 72 पर्डमिंग पावर कहां पर दी है? 72 क्यों दी गई है इसको पर्डमिंग पावर? क्षमादान की शक्ति क्यों दी गई है? क्या चीज?
बताइए मैम, क्यों दी गई समाधान की शक्ति? बताइए सर, क्यों दी गई? सिर्फ फांसी? कोई और भी कुछ रोक सकता है? नहीं, ये बात सही है कि फांसी में रोक सकता है, लेकिन सिर्फ फांसी की बात नहीं है, किसी भी सजा के सापेक्ष जो है उसको पड़वी पावर दी गई है। इसमें पांच चीजें होती हैं, ठीक है? या तो वो क्या करेगा, उसे क्षमा दे देगा, या फिर क्या करेगा, निलंबित कर देगा, परिहार कर देगा, विराम लगा देगा, है ना? ये इसकी पावर पड़वी पावर में। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पड़वी पावर समाधान की शक्ति से दी क्यों गई? क्यों दी गई मैम? देना नहीं चाहिए था? सॉरी, राष्ट्र प्रमुख है इसलिए दी गई है। ये किसी को भी माफ कर सकते हैं क्या? देखिए क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय है ना, काम कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग ही कर रहा है। और ये किस बिहाफ पे कर रहा है? एविडेंस के बिहाफ पे कर रहा है। जो भी जजमेंट होंगे वो साक्ष्यों के आधार पे करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर साक्ष्य ऐसे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि कोई अपराध हुआ है यहाँ पर, मान लेते हैं साक्ष्य कोई ऐसा एविडेंस लगता है कि अपराध हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि एक कमरे में दो लोग हैं, ठीक है, एक की डेथ हो जाती है, ब्लड पड़ा था वहां पर, ये आप क्या, आपको क्या लग रहा है किसने की होगी? जो दूसरा व्यक्ति है ना, इसका क्या मतलब हो गया कि जो परिस्थितियां हैं वो ये बता रही है कि ये दूसरे वाले व्यक्ति ने अपराध किया है। बात समझ में आई कि नहीं? अब मान लीजिए सामान्य स्थितियों में लग रहा हो दूसरे व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन जो ए और बी व्यक्ति थे इनमें से जिसे हमने मरा समझा या जिसे डेथ पर्सन समझा वो जीवित है, जजमेंट आ गया, इनको जो है डेथ पनिशमेंट मिल गई, लेकिन जिसकी हत्या के लिए, जिसके मर्डर के लिए इनको प्रोसिक्यूट किया गया, दंड दिया गया, वो व्यक्ति वास्तव में जिंदा था, परिस्थितियों में ऐसा हुआ किसी दूसरे की डेड बॉडी मिली और पुलिस ने बात रिकॉग्नाइज कर ली कि ये की है, वो एक ही थी ही नहीं, इनको मेलाफाइड ग्राउंड से सताने की कोशिश की गई और बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन कुछ ऐसे साथ निकल गया जिससे लग रहा था, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि इन्होंने इसकी हत्या की है, ये व्यक्ति जीवित है। अब कोर्ट की इस गलती को रिफॉर्म कैसे किया जाएगा? क्या ऐसा संभव है कि नहीं है? संभव है ना? तो अगर कोई ऐसा फैक्ट निकल के आ जाए, कोई ऐसे तथ्य निकल के आ जाए, कोई ऐसी जानकारी निकल के आ जाए जिसमें लगे कि न्याय में भी कई बार ऐसा होता है न्यायपालिका से कहीं गलतियां संभव हैं कि हो सकती है, ह्यूमन बीइंग है और उसके पास केवल एविडेंस के आधार पर, वो जाके मूल दर्शी नहीं है अपराध का, वो खुद नहीं देख रहा है, जज एविडेंस के आधार पे बात करता है, जज वकालत जो एडवोकेट बताता है, जो एक्सप्लेन करता है, उसके सापेक्ष वो क्या कर रहा है, निर्णय दे रहा है ना? और ग्राउंड क्या है एविडेंस, तो कहीं ना कहीं ये इसको बचा रहता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती हो जाए, चांसेस है कि नहीं? गलतियां नहीं होती हैं, समय लेते हैं, न्यायिक प्रक्रिया को इसके लिए बहुत लंबा बनाया गया है, ठीक है, प्रोसीजर कोर्ट है हमारे पास में, एविडेंस एक्ट है हमारे पास में, ठीक है, और बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन फिर भी एक चांस होता है गलती हो जाए। तो इन गलतियों के रिफॉर्म के लिए कौन सा दिया गया, 72 को रखा गया है। यदि न्यायपालिका से कोई ऐसी भूल होती है या कोई नए ऐसे तथ्य आ जाते हैं जिससे लगता है कि उस आदमी ने अपराध नहीं किया, जैसे एक मूवी थी आप लोगों ने देखा होगा अंधा कानून, अमिताभ बच्चन को प्रोसिक्यूट करते हैं, ये सिर्फ दो चीजों के पीछे काम कर रही थी, एक तो यही वाला पर्डमिंग पावर का है, दूसरा है डबल जीओ पार्टी जो हम 20 के सबक्लास 2 में देखते हैं अनुच्छेद 20 के, है ना? एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार दंडित नहीं करेंगे, इसी अवधारणा के पीछे पूरी मूवी काम कर रही थी। हमें यह समझना है कि जो 72 है, जो समाधान की शक्ति, वो दी क्यों गई? इसलिए दी गई ताकि न्यायपालिका की यदि कहीं पर किसी भी तरह से कोई गलती रह जाती है तो उसे क्या किया जाए, सुधार किया जा सके। इसलिए नहीं दी गई है कि वो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, वो किसी को माफ नहीं करेंगे, ऐसी स्थितियों में समाधान करने के प्रयास करते हैं, संविधान मेकर जो हमारे निर्माता हैं उन्होंने बात दी कि ये भी चीजें सुधारी जा सके। मतलब
कौन, जैसे ये व्यक्ति है बी ना, जो प्रोसिक्यूट हुआ है, ये जब यहाँ से मान लीजिए जजमेंट आया तो ये जाएगा सरकार के पास में, एग्जीक्यूटिव के पास में, और वो समाधान की पिट लगाए, पिटिशन दायर करेगा कि हमें जो है क्या किया जाए, माफ कर दिया जाए, है ना। तो वो ग्राउंड देगा कि क्यों माफ किया जाए, वो बताएगा कि हमें जो सजा दी गई है वो उसमें क्या है, ये व्यक्ति अभी जिंदा है, ठीक है, जिसके मारने की बात की गई। तो सरकार जो है क्या करेगी, इन फैक्ट को क्रॉस चेक करेगी, अगर सरकार को ये लगता है प्रेसिडेंट इस बात से सहमत हो जाता है, एक्चुअली प्रेसिडेंट नहीं करता है, ये डिसीजन किसका है, कैबिनेट का है, नाम किसका है, प्रेसिडेंट का है, कैबिनेट को ये लगता है कि वास्तव में इसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो उसे क्या कर देगा, माफ कर देगा। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है, कब वो माफ करेगा। अब मान लीजिए इसकी सिचुएशन चेंज कर देते हैं, ठीक है, एक ये हस्बैंड वाइफ है दोनों, है ना, ये कोई ऐसा सडन प्रोवोकेशन होता है कि ये वाइफ जो है हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम थी, मेंटल डिजीज थी या पेट में कोई डिजीज थी या हृदय की कोई डिजीज है, इसने एक मुक्का मार दिया गुस्से में हस्बैंड के, उसको नहीं पता था कि मारने से उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है और ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है, ना, ऐसे नहीं मारा था कि मर जाए, इंटेंशन ही नहीं था उसका मारने का, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसने काम इतना गलत किया, वो आपराधिक कार्य कर दिया जिससे उसकी मृत्यु पारित हो गई, मारना तो गलत है ना, तो डिफेंस नहीं मिलेगा, अब मारा, अब इसको पनिश करना है, ठीक, इस विमेन को क्या कर रहे हैं, वो दंडित करना है, मान लीजिए इसको फांसी देनी है, इस बच्चे की क्या गलती है, इसको तो हक है कि वो आए इस दुनिया में, पेट में है, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि क्षमा तो नहीं करेंगे लेकिन वो कुछ समय के लिए उसको लंबित कर देंगे। अब ये महिला जो है रिक्वेस्ट करेगी कैबिनेट के पास में, सरकार के पास में जाके कि हमें कुछ समय के लिए क्या किया जाए, समय दिया जाए ताकि हम इस बच्चे को क्या कर सके, जन्म दे सके, इसका जैसे ही कैपेबल हो या किसी के पास रखने लायक हो आप मुझे प्रोसिक्यूट कर देना हमसे गलती। तो ऐसी स्थितियों को देख के आप ही अगर मान लीजिए हैं सिटीजन तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसे इतना तो स्पेस देंगे कि इस बच्चे को क्या मिले, बर्थ मिल सके, नई पहचान मिल सके, अब पिता तो नहीं रहे, माँ भी जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो रह सकते हैं ना, उनको तो जीवन मिलना चाहिए, उसकी गलती नहीं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 72 लाया गया है। समझ में आया कि नहीं, मर्म क्या है, इसको लाने के पीछे मंशा क्या है। इसके बाद जितने भी सैनिबल हैं, ठीक है, कितने हमारे पास में, कितने हैं, सिर्फ 3 हैं, अभी तो एक बहुत चर्चा में चल रहा है, आप लोग तो बताइए कितने सैनिबल हैं, अग्निवीर, क्या है अग्निवीर, सैन्य जितने बल हैं उनका प्रमुख कौन है, प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। अग्निवीर क्या है, क्या चीज, टाइम कितना हो गया आपको, टाइम है कितने बजे तक, 1 बजे तक है, 30 मिनट है हमारे पास ना अभी, ठीक है, हाँ आप बताइए क्या है अग्निवीर, अच्छा क्यों गलत है ये बताइए, कैसे करो आप गलत है, मान लेते हैं सरकार की एक योजना है, क्या आपको क्या गलतियां लग रही हैं, मान लीजिए पक्ष विपक्ष की बात है, प्रो है कौन सा है, यानी आपको टाइम पीरियड से इश्यू है 4 साल, और फ्यूचर सिक्योरिटी, और क्या इश्यू है, एक टाइम पीरियड का इशू है ना, और क्या इशू है, आप सही क्यों कह रहे हैं बताएं,
जी, हर बंदे को रोजगार दिया जा सकता है। नहीं नहीं उनका मत आप सुनिए, ठीक है, किसी के मत को आप ऐसे नहीं, एक सेकंड प्लीज प्लीज एक मिनट रुक जाओ, किसी के भी मत को सुनना से पहले नहीं, बात नहीं करना है हमें, झगड़ा नहीं करना है हमें, बात समझनी है कि ये क्या कह रहे हैं और ये बात क्या है ना, तभी तो हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में होना क्या चाहिए। आप दूसरा पक्ष जरूर सुने, ठीक है, इसी को क्या एक रूल होता है ऑडी अल्ट्रम पल्टम, यानी अन्य पक्ष को सुनो, बिना सुनवाई के कोई पनिश वो नहीं होना चाहिए। आप क्या कह रहे हो बताओ भैया, पक्ष में रोजगार मिलेगा, जॉब जॉब क्रिएशन नहीं, जॉब क्रिएट होंगे, और बताओ क्या, यंग सोल्जर और पेंशन का भार कम होगा सरकार से और देश का विकास होगा, ठीक है, कैसे, ठीक है, देश का विकास होगा और अधिक अधिक लोगों को जो है आर्मी ट्रेनिंग मिल जाएगी ना, क्या, अच्छा हाँ ठीक है, और इमरजेंसी कहें या एक्सटर्नल एग्रेशन कह लेना, ऐसी स्थितियों में काम आएंगे रात के, और कोई नुकसान नहीं दिख रहा आपको, कोई नहीं, ठीक है, और नहीं नहीं और कोई, यह बताइए अपनी बात बताइए, आप क्या लग रहा है आपको, होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाँ मैम आप बताइए, बोलिए कोई इश्यू नहीं है, इसमें क्या है, आप पांच पॉइंट देखने से तो डरना नहीं है, हाँ यंग सोल्जर तो मिलेंगे लेकिन बहुत सीमित समय के लिए मिलेंगे ना, और उसके बाद वो सोल्जर जाएंगे कहाँ, ये इशू है आपका, कि मान लीजिए यंग सोल्जर मिले तो लेकिन चार साल के बाद वो सोल्जर क्या काम करेंगे, ये वाला इशू है। हाँ और क्या इशू होगा मैम, अब दूसरा पत्र सुनो, बैस नहीं होना है ना, बैस नहीं होना है, दूसरे की बात सुनते हैं, हाँ यही स्कीम कैसे यंग सोल्जर को सुनिश्चित करी ना, हाँ और क्या भैया, लॉयलिटी मतलब आपको क्या लग रहा है, इससे लॉयल नहीं होंगे या लॉयल होंगे, आप क्या लग रहा है इससे सेना के प्रति लॉयलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी लॉयलिटी घटेगी, ठीक है, मैम का ये मत है कि आप दिखा तो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, धीरे धीरे आप सेना को ही कम कर रहे हैं ना, ये चीज है कि एम्प्लॉयमेंट का इशू, और इन्होंने कहा कि हमारे पास में एक ऐसी दूसरी सुरक्षा पंक्ति विकसित हो जाएगी, अगर कोई आपात स्थितियां होती तो हम इनको यूज कर सकते हैं सेना के रूप में, है ना, वो ये कहना चाह रहे हैं, आप समझ पाए कि नहीं बात को, तर्क नहीं करना है अभी, सिर्फ अपनी बात रखनी है और क्या चीजें हो सकती है, वो गलत नहीं कह रहे, देखिए कोई भी इंसान जो बात कह रहा है गलत नहीं है, कहीं ना कहीं ये भावनाएं भी हमको देखना है और वो वाली बात भी देखनी है, मैम ये कह रहे कि पहले भी तो सारी चीजें चल रही थी तो आखिर इसकी जरूरत क्यों, वो तो सक्षम थी, है ना, ठीक है, पहले से वो सक्षम है, ठीक है, अभी ऐसे ही इतना सुधार की जरूरत है, पहले तो आर्मी कर रही थी,
और कोई आप खुद बोली नहीं, हो कैसे गया? उसको आपने, आपका कोई मत ही नहीं है। देखिए अब ढेर सारी बातें हो गई, इसको देखते हैं कि वास्तव में है क्या। पहली चीज इसको समझ लीजिए क्या है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि कुछ लोगों की भर्ती कहाँ पे कर रहे हैं? सेना में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? सेना में कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। 4 साल की भर्ती के बाद में जो लोग होंगे उनका एक हिस्सा जो है आगे फॉरवर्ड कर देंगे सेना के लिए, ठीक है। बाकी इतने लोगों को ये दूसरी जगह समायोजित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इससे सरकार को फायदा क्या होगा? सरकार स्कीम लाई क्या है, इससे क्या होगा? एक तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, है ना, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरा, जो यूथ होंगे राष्ट्रीय एकता, सेना की सर्विसेज, है ना, और राष्ट्र प्रेम के जो भाव होंगे वो इनमें क्या किए जाएंगे, लाए जा सकेंगे, ठीक। इसके अलावा यूथ को ये जितना पैसा दिया जा रहा होगा 30 से 40 हजार के बीच में रुपया दिया जाएगा, जिसमें 9 हजार के आसपास इनका फंड कटेगा और इतना ही पैसा सरकार मिला के देगी, और टोटल ये पैसा लगभग 11 लाख समथिंग होगा जो 4 साल की नौकरी के बाद दिया जाएगा, ताकि ये कुछ कार्य करने में सक्षम हो सके, है ना। क्या चीज नहीं, गवर्नमेंट जॉब का ये मैंने कहा, इनको समायोजित करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि इनको कहीं रखा जा सके, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि इसके बाद इनकी जॉब निश्चित है। इन 25% को मूव करके कहाँ ले जाएंगे? आर्मी में ले जाएंगे, तीनों सेनाओं में, या तो थल सेना, नेवी या आर्मी, तीनों में जहां पर होंगे उसी हिसाब से उनको आगे रिक्रूट कर देंगे। ये पूरी क्या है, अभ्योदय स्कीम, मतलब स्कीम क्या है मैं ये बता दे रहा हूँ। पहली चीज समझ में आई स्कीम क्या है, ठीक है। अब प्रो एंड कॉन्स पे बात करते हैं। जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उसमें एक समिति बनी, कारगिल समीक्षा समिति, पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है ना, कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। अब कारगिल रिव्यू कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो सेना की सेवाएं हैं, ये किसके अध्यक्षता में बनी थी? एक बार क्रॉस चेक कर लेना, शायद के सुब्रमण्यम नाम है, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करना, अभी मुझे एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो रहा है, क्या आप गूगल कर लो एक बार, के सुब्रमण्यम नाम है उनका। उनकी अध्यक्षता में समिति बनी और इस समिति ने रिकमेंडेशन क्या क्या दी, इन्होंने कहा कि जो सेना की सर्विसेज हैं उनको छोटा करने की या कम करने की जरूरत है। इससे क्या होंगे, यंग और यूथ जो है सेना रहेगी, ठीक है। अब सेना बहुत लंबे समय तक हो रही है तो उससे क्या होगा कि वो उतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे, तो आर्मी में यंग लोगों की जरूरत है। पहली रिकमेंडेशन इनकी यहाँ से थी। इसी रिकमेंडेशन को देकर इस स्कीम की तरफ जो है सरकार ने अपना पहला कदम बढ़ाया है। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि अगली लड़ाई आर्मी की जो है मैन पावर की नहीं है, है ना। जिस विश्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये विश्व में अगला युद्ध साइबर का युद्ध है, प्रौद्योगिकी का युद्ध है, आप समझ रहे कि नहीं। जितने अच्छे हथियार होंगे युद्ध उतना दक्ष होगा, लोगों के द्वारा युद्ध नहीं लड़े जाएंगे, ठीक है। ड्रोन युद्ध होगा, केमिकल, बहुत सारे ऐसे युद्ध के तरीके नए विकसित हो रहे हैं जो बहुत मैन पावर या ह्यूज मैन पावर की जरूरत नहीं, एक छोटा देश किसी को भी जीत सकता है। युद्ध उसके पास में तकनीकी बहुत अच्छी है, साइबर बहुत अच्छा है ना, या हथियार बहुत अच्छे हैं, तो ये युद्ध मैन पावर का युद्ध नहीं रहा। इसलिए जरूरी ये है कि हम इन क्षेत्र में आगे बढ़ें, और इन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम प्रौद्योगिकी संसाधन युद्ध सामग्री पर ज्यादा निवेश करें, ठीक है। और उस निवेश को बढ़ाने के लिए हमें क्या है, क्योंकि हमारा बजट ऑलरेडी 11 से 12% किससे है, सेना का बजट है ना, तो इससे जरूरी है कि सेना में जो ह्यूमन पावर है, जो मैन पावर है, उसको थोड़ा कम किया जाए और उसको बढ़ा किसकी तरफ जाए, संसाधनों को बढ़ाया जाए। आपको लगता है इसकी जरूरत है कि नहीं है, है? तो इसीलिए जरूरत है कि क्या किया जाए, एक तो पेंशन का भार कम किया जाए, वो उसका एक तरीका ये निकाला सरकार ने। दूसरा क्या किया कि इसके नंबर को रिड्यूस किया जाए, है ना, नंबर को रिड्यूस किया जाए और धीरे धीरे इनको क्या किया जाए, इस तरह से लाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आर्मी ट्रेनिंग को ले लें और दूसरे कामों में भी संलग्न हो जाए, साथ ही साथ क्या हो, जो परमानेंट वाला भार है वो भी रिड्यूस होता चला जाए। बात समझ में आई कि नहीं, ये वास्तव में जरूरत है इन चीजों की। अब जैसे अब यहाँ से हम चलते हैं रिवर्ट करते हुए हर बात को, कि इस
उसको क्रॉस चेक करते हैं कि जो बातें कही गई वो सही है कि गलत है। भूमिका बन रही, ये हमने देख लिया, इसको बैकअप यहाँ से मिला है और ये हमारी आगे की युद्ध रणनीतियां हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब आगे जैसे मैम ने कहा कि पहले सेना क्या कर रही थी जो अब इतनी जरूरत, देखिए सुधार की हमेशा गुंजाइश है, कोई भी चीज परिपक्व स्थिति में नहीं है। सेना क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये एक अलग सवाल है, लेकिन सेना को और बेहतर हमेशा किया जा सकता है। अमेरिका की भी सेना को और बेहतर करने की जरूरत है, दुनिया की जितनी भी सैन्य शक्तियां हैं उनमें इस बात के चांसेस हमेशा रहेंगे कि सुधार हो, हाँ या ना? तो ये बात कह देना कि जो है पहले क्या कर रही थी अब क्या करेगी, कहीं ना कहीं ये कमजोर तर्क है। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत तर्क, तर्क कमजोर है। बात समझ में आई कि नहीं? मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है इसमें भी बहुत सारे सुधार की जरूरत है, आपको और बेहतर तरीके से समझा सके। बात समझ में आ रही कि नहीं? सुधार संभव है तो सुधार हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये तर्क दे देना कि जो है पहले क्या कर रहे थे अब क्या करेंगे, सुधार किए जा सकते हैं। सवाल ये है कि वो सुधार सही है कि गलत, ये देखा जाए, है ना? दूसरा था ये टाइम पीरियड की बात है। टाइम पीरियड के बारे में इसको कमेटी ने हमें रिकमेंड किया है, कोई ऐसा जर्नल या रात को जगे और सुबह डिसीजन लिया ऐसे नहीं है, इस पर रिसर्च किया गया है, उसके बाद एक कमेटी अनुशंसा देखी उसके बाद इसको लाया गया है। निश्चित रूप से टाइम पीरियड कम है लेकिन इसकी जरूरत कहीं ना कहीं है। तो टाइम पीरियड का इशू नहीं है, इशू जो मेन है वो है इसका, ठीक है? ये क्या चीज है? जॉब सिक्योरिटी का इशू है ना, कि ये चार साल करने के बाद हम जॉब तो दे रहे लेकिन इसके बाद इनको समायोजित कैसे करेंगे? भाई सेना का आदमी अगर गांव में कोई ऐसे काम करने के लिए मजबूर हो जो अमान भी हो, सेना की रिस्पेक्ट बहुत है देश में, हर कोई करता है, ठीक है? यदि ऐसे कार्य करने के लिए वो मजबूर हो जाए जो थोड़ा प्रतिष्ठा के अगेंस्ट है, तो सेना के लिए लगेगा कि हमने देश के लिए शासन किया और अब ये करना पड़ रहा है। तो वो फील कहीं ना कहीं आदमी को जो आर्मी के प्रति एक जुझारूपन है, लोग जाना चाहते हैं, जो उसका रिस्पेक्ट रखते हैं, उसको नुकसान हो सकता है। दूसरा, ऐसे लोगों को समायोजित करने की जरूरत है। तो सरकार को ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कर रहा है वो 100% सही है, 25% यहाँ पर वो आर्मी में समायोजित कर रहे हैं। सरकार को क्या चाहिए, एक चीज और थोड़ी चीज में समझ ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा समझना, कि जो सेना है वो चार हिस्सों में कहीं ना कहीं है। चार, पहली चीज क्या है, आर्मी है। दूसरा, अन्य सुरक्षा बल है, आया ना? जैसे BSF हो गया, ITBP हो गया, अन्य जितने सुरक्षा बल। फिर तीसरी श्रेणी में क्या है, पुलिस है जो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। और चौथी श्रेणी में जैसे NCC अन्य लोग हैं, है ना, NCC, NSS। ये सुरक्षा पंक्तियां हैं देश की। पहली वाली किसके अगेंस्ट काम करती है, वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन और इमरजेंसी, आया ना? आर्मी को कभी देश के अगेंस्ट नहीं लाया जाता है, अपने लोगों के अगेंस्ट नहीं लाया जाता है। मान लीजिए कोई इंसर्जेंसी है, कोई विप्लव है, या मान लीजिए नक्सलाइट मूवमेंट है, तो वहां पर इसको लगेंगे अन्य सुरक्षा बलों का यूज किया जाता है, आर्मी का यूज नहीं करते हैं। आर्मी को किसके लिए, दुश्मन के लिए तैयार किया जाता है, और अपने देश के लोग दुश्मन नहीं हो सकते। हो सकता है वो विप्लवकारी हो, विरोधी हो, सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लेकिन वो दुश्मन नहीं, इसीलिए क्या करते हैं उसको, आर्मी को हम कभी किसके अगेंस्ट नहीं लगाते, जो इंटरनल डिस्टरबेंस कर रहे हैं, लोग आम रिवेलियन हो रहे हैं उसके अगेंस्ट नहीं। उसके अगेंस्ट कौन काम करता है, सुरक्षा बल काम करते हैं। तीसरी पंक्ति कौन सी है, पुलिस, हर स्टेट में है, ठीक है? तो और चौथी चीज है NCC अन्य जगह। तो अगर सरकार चाहे तो इनका 25% हिस्सा इन सुरक्षा पंक्तियों में भेज दे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने 25 सेना में मूव कर दिया आर्मी में, दूसरी जो सुरक्षा पंक्तियां हैं ये लोग ट्रेंड है, हथियार अच्छे से चला सकते हैं, और अगर यहाँ पर हम इनको क्या करें, प्रोजेक्ट कर दें, यहाँ पर इनको समायोजित कर दें, तो ये समस्या कम हो जाएगी। ये आगे की समस्या कि इनको कहाँ समायोजित करेंगे, है ना? फिर कुछ बचे, इनमें से कुछ चीजों के लिए जैसे प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, यहाँ पर कुछ स्पेस और कुछ रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है कि गलत है, मैं ये कह रहा हूँ समायोजन की समस्या खत्म हो जाएगी। जो चिंता आपकी ये है कि चार साल के बाद ये क्या करेंगे, वो खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को, ठीक है? आर्मी में गए 25%, फिर यहाँ पर चले गए, कुछ अन्य जगह हमने उनको क्या किया, लेके गए, तो समायोजन की समस्या खत्म हो गई, है ना? फिर क्या चीज, ये क्या चीज है, क्या घटेगा, सॉरी, लॉयलिटी, ठीक है?
लॉयलिटी घटेगी। देखिए ज्यादा लोग जब किसी भी चीज से जुड़ेंगे, भाई प्रतिष्ठा कहाँ है? आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि बहुत कम लोग हैं, ज्यादा लोग होंगे तो लॉयलिटी तो घटेगी, लेकिन ज्यादा लोग उस चीज के सापेक्ष क्या होंगे? प्रेरित भी होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात कह देना भाई कि लॉयलिटी घटेगी, सिर्फ लॉयलिटी नहीं घट रही है, लोग कितने ज्यादा जुड़ रहे हैं उस भावना से, कितना ट्रेंड मिलेगी। अब ये फिटनेस में भी अच्छे होंगे, है ना, ये एक्सपर्ट भी होंगे। अगर आर्मी के लोग कहीं भी काम करेंगे, जो सीख के आएंगे, तो वो काम ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, ज्यादा पेट्रियोटिज्म की फीलिंग के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, हम लोग ज्यादातर पॉलिटिकल टॉक करते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी जो है ऐसी चीजों को प्रैक्टिस में लाते हैं जो गैर जरूरी है, जैसे कास्टिज्म हो गया, छूत हो गया, या कोई अन्य तरह की जो है और अवरोधात्मक गतिविधियां जो कर रहे हैं ना, ये लोग नहीं करते हैं। आर्मी के इसीलिए रिस्पेक्ट है, संभव होता है, वो देश के नागरिक के रूप में बिहेव करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी यहाँ पर आ जाएंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? और किसी का कोई सवाल था इधर प्रो में? अब जैसे ये कह रहे हैं जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन तो निश्चित होगा, लेकिन जॉब क्रिएशन के साथ साथ जॉब इनसिक्योरिटी भी बढ़ेगी। हमें क्या करना है कि वो जॉब इनसिक्योरिटी को खत्म, इस योजना को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस योजना में कुछ ऐसा करना है कि जॉब क्रिएशन के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ती रहे, ना। दूसरी चीज क्या है, ये याद ही नहीं हमको भी याद। हाँ, यंग सोल्जर है, यंग सोल्जर की निश्चित रूप से जरूरत है, ठीक है। सोल्जर जितना यंग रहेंगे, जितना बेहतर तरीके से वो करेंगे, कुछ लोगों की जरूरत है, उनको हम आगे मूव करके जा रहे हैं, ले जा रहे हैं आर्मी में, पूरी आर्मी नहीं खत्म कर रहे हैं, कुछ लोगों को अवसर दिए जा रहे हैं, यंग सोल्जर्स को बनाए रखा जा रहा है, सेना को यंग बनाए रखने का एक प्रयास है। तो जरूरत है इसकी, निश्चित रूप से फुलफिल होगा। फिर ये क्या था, टेंशन, टेंशन का भार रिड्यूस होगा, ठीक है, जरूरी भी है, क्योंकि जब यहाँ पे पैसे रिड्यूस होंगे, कम खर्च होंगे, तो हम पैसा कहाँ निवेश कर पाएंगे, इन चीजों पर निवेश कर पाएंगे, है ना, ऐसी चीजों में विकसित, जैसे डीआरडीओ है, अभी क्या किया जा रहा है, रक्षा उत्पादों को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें ना, तो सबसे अधिक जो है रक्षा जो चीजें हम निर्यात करें तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, नहीं अब हम इसका निर्यात ना करके इसको खुद क्रिएट करेंगे, जिससे हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर क्या हो, कम हो, न केवल निर्भरता कम हो, बल्कि हम ऐसे उत्पाद बनाए जो दूसरे देशों को हम निर्यात भी कर सकें। इसमें अभी एक लेटेस्ट बहुत अच्छा एफर्ट हुआ है, प्रयास हुआ है कि हमने ब्रह्मोस किसको बेची है, फिलीपींस को, किसको बेची, फिलीपींस को, है ना। तो इसी तरह से जब हम रक्षा निर्यात करेंगे, अमेरिका बहुत ज्यादा पैसा रक्षा निर्यात से कमाता है, कमाता है कि नहीं कमाता है, अमेरिका रक्षा, इनका एक ही काम है, धंधा है, दुनिया में लड़ाई लगा के अपने हथियार बेचना, ठीक है, ये लोग बस हथियारों के सौदागर है, कुछ लोग नहीं होते हैं अफीम बेचना चाहे जबरदस्ती बच्चों को खिला खिला के बेचते हैं, तो उसी तरह से ये लोग काम कर रहे हैं जो बड़े राष्ट्र हैं। हम वो न करके जहाँ पे वास्तव में जरूरत होगी उनको इस चीज से क्या करेंगे, दस बनाएंगे। तो ये हो गया, फिर डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट उतना नहीं रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं ये राष्ट्र के जो है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काम तो आ ही रहे होंगे। ये सारी चीजें कुल मिला के योजना को अगर हम कहें तो कभी भी आप ऐसे मत कहिए सही है कि गलत है, ठीक है। इस योजना को डायरेक्ट लागू न करके पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू करना चाहिए था ना, पायलट प्रोजेक्ट यानी किसी एक क्षेत्र में पहले लागू करते, फिर उसको देखते वो सफल है कि असफल है, फिर धीरे धीरे इसको लागू करते। दूसरी चीज है कि युवाओं का विश्वास हासिल करते हुए करते, ठीक है, सभी लोग ये बात समझ पाते, ये बात वो पहले समझाते लोगों को, फिर धीरे धीरे क्या करते, लोगों को इसे जोड़ने का प्रयास करते। एकदम से अगर कुछ चीज लागू कर दी जाती तो वहीं कहीं ना कहीं एक आनंदता दिखती है, रफनेस दिखती है। दूसरा, अगर समायोजन की चिंता है, निश्चित रूप से जायज चिंता है यूथ के लिए, ठीक है, एक समय बाद वो 4 साल अगर वो सेना में है तो उसके बाद उनकी कहीं ना कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, क्रम टूटता है, तो ऐसे लोगों को समायोजन की जरूरत है। ये कंपलसरी नहीं है, यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आर्मी में आपकी दिलचस्पी, जैसे मैं हूँ, मैंने एनसीसी किया, मुझे लगता है जाना चाहिए, हाइट नहीं रही नहीं तो मैं ट्राई करता, लेकिन वही सारी चीजें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हो, देश की सेवा में हिस्सेदारी दे सकते हो, और बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ इस तरह की योजनाएं क्या है, कंपलसरी है। तो एकदम से ऐसे नहीं देख लेना है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया, समझने की कोशिश करनी कि वास्तविक स्थिति क्या है, आगे पीछे का बैकग्राउंड क्या है, और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निष्कर्ष कैसे निकलेंगे,
क्या चीज है, समायोजन कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कमी लूपहोल से काम करना है, आप इसके संबंध में अच्छे लेख पढ़ो, आर्टिकल, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी चीज है क्या, है ना। तो ऐसे नहीं मानना है, रिजिड नहीं होना एकदम लोहा लाट, ये तो बस कुछ तूफान सा आ गया। हाँ नहीं, मैंने ये नहीं कहा पेंशन के भार से, मैंने कहा जो पेंशन का भार कम होगा इस पैसे को हम कहाँ निवेश करेंगे, इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए, जैसे प्रौद्योगिकी को बढ़ाएंगे, है ना, नए साधनों पर पैसा खर्च करेंगे, तकनीक सुरक्षा तंत्रों को विकसित करेंगे, साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने, कैसे मजबूत होगी बिना पैसे के, और पैसे तो यहाँ पे जा रहा है। आप मानिए किसी ने बारह, आज आपको पता है कितनी पेंशन है सेना के एक व्यक्ति की, अंदाजा है किसी को, 15,000 पता है आपको, एक टीचर को आज कितना मिल रहा है, लगभग 50,000 प्लस में मिल रहा है ना पेंशन। तो ये पेंशन बहुत बड़ा भार है देश के, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन पे जा रहा है। तो ये पैसा जब यहाँ न खर्च होके वहां पर होगा तो देश की जो सुरक्षा है, वास्तव में जिन चीजों की जरूरत है वहां पर हम निवेश कर सकेंगे, है ना। ठीक है, और बताए समझ में बस। हाँ मैं हाँ अन्य चीजों पे खर्च करेंगे, जो नए युद्ध, नए प्रकृति की जो लड़ाइयां हो रही है उसके लिए खुद को तैयार कर रहे होंगे, राष्ट्र को तैयार कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपका जैसे ये कहना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो टोटल बजट है उसका 10-12% किस पे खर्च हो रहा है, सेना पे हो रहा है ना। अब सेना पे जो 10-12% खर्च हो रहा है उसका मान लीजिए 12% है और इसका 5% या 4% हिस्सा पेंशन में जा रहा है। अब ये 4% बहुत होगा, लाख करोड़ होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। ये पैसा हम किस में लगाएंगे, तकनीकी विकास में लगाएंगे, नए नवाचारों में लगाएंगे, साइबर सुरक्षा के नए तंत्र विकसित करेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज, कैमरा, ड्रोन, ये जितनी भी चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हो गई, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इन सब चीजों में निवेश करेंगे। तो निवेश, ये पैसा जब बचेगा तो कहाँ जाएगा, इन सारी चीजों में निवेश करेंगे, जो नए युद्ध की संभावनाएं बन रही है उनसे लड़ने के लिए, है ना। तो ये तंत्र हमारा ज्यादा बेहतर विकसित होगा, समझ में आ रही कि नहीं। पेंशन का भार कम करना तो जरूरी ही है, नहीं तो हम मैन पावर तो मजबूत करें लेकिन मनुष्य के द्वारा लड़ा ही नहीं जाएगा अगला युद्ध। आप मानिए ड्रोन युद्ध होने वाला है, लोगों ने अंतरिक्ष में जाके अपने जो है समय क्या बना रहे हैं, कैंप बना रहे हैं, पता है आप कुछ नहीं, उन्होंने अपने ऑयल के टैंक वहां पर तैनात कर रखे हैं, जरूरत होगी तो वहीं से हमला करेंगे। तो ऐसे देश में जहाँ स्टार वार जैसी मूवी बन रही है तो वहां पर आप बताइए कि क्या कितने भी आदमी खड़े कर लीजिए सुरक्षा पंक्ति में, वो लड़ाई ही नहीं रहेगी। पारंपरिक युद्ध के जो तरीके हैं वो बदल रहे हैं, है ना। पहले क्या होता था, किराए पे सेना रखी जाती थी, चार आदमी गांव पकड़ के लाते थे, बोले चलो लड़ो चलते, वो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, 10 साल से युद्ध हो रहा है, परिणाम को आ नहीं रहा है, क्यों, व्यक्ति चलते नहीं, ना वो लड़ना चाह रहे ना वो लड़ना चाह रहे, लड़ाई कागज चोरी करे भाई तुम मत देखना, रोटी हम शाम को देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर उस गतिशीलता को लाने के लिए हथियार बढ़ाए गए, बंदूकें बढ़ाई गई, टैंक बढ़ाए गए, युद्ध तीव्र होने लगे, 4 दिन में फैसला हो गया कौन जीते कौन हारेगा, आज तो 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। अभी एक ट्विटर पे था, एक व्यक्ति दूसरे देश का जो है देश प्रमुख है, बोलता है हमारे पास में जो है हाइड्रोजन बम है, आप ज्यादा मत भूलिए। दूसरा कहता है जो हाइड्रोजन बम है तुमसे बड़ा है और उसकी बटन हमारे मेज पे लगी हुई है, हम बता देंगे तो आप ज्यादा नुकसान में आ जाएंगे। तो अब तो हाइड्रोजन बम की स्थितियां एटॉमिक है ना, ऐसी जगह पे आप कैसे लड़ाई लड़ोगे। अभी देखिए रशिया के सापेक्ष जो हुआ या इसराइल में जो दिक्कत आई, उन्होंने क्या किया, आयरन डोम लेके आए ना, अब आयरन डोम की जगह वो क्या लेके आ रहे हैं, आयरन बीम लेके आ रहे हैं, ठीक है। डोम में क्या था, ज्यादा निवेश हो रहा था, अब बीम छोड़ेंगे दूसरी मिसाइल हवा में ही खत्म हो जाएगी, नुकसान नहीं होगा, जमीन पर विस्फोट नहीं होगा। देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने, ये सब नहीं पढ़ा, आयरन डोम आयरन बीम, ये तो न्यूज में है करंट में, थोड़ा सा अवेयर रहिए इन सब चीजों से, तो वो लड़ाइयां रहेंगी यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं वाली बात, ठीक है। इसके अलावा आप एक बार खुद इसको प्रैक्टिस करिए, पढ़िए तो और ज्यादा चीजें निकल के आ जाएंगी। टाइम हो गया, आप लोगों ने डाइवर्ट कर दिया क्या।
कल जो प्रेसिडेंट की चीजें बची हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। Thank you.